पीएम मोदी के द्वारा अपने मन की बात में जब गढ़वा के हीरामन कोरवा का जिक्र हुआ, तब से हर किसी के मन में उनके बारे में जानने की उत्सुकता है कि आखिर हीरामन है कौन। हीरामन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बिड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। पीएम के मन की बात में गढ़वा के हीरामन की चर्चा। हीरामन जी गढ़वा जिले के हीरामन कोरवा की सराहना की तो लोग गर्व से भर उठे कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6,000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। कोरवा शब्दकोश की सराहना की। विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में अब हर कोई कर रहा है पुस्तक की सराहना। से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल पुस्तक लिखने के दौरान पत्नी से हुई नोकझोंक, मन की बात में नाम आने के बाद दूर हुए गिले शिकवे। उन्होंने पीएम ने कहा हीरामन जी ने जो कर दिखाया वो कोरवा जनजाति के लिए ही नहीं देश के लिए मिसाल है। कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वो देश के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात में गढ़वा रंका के हीरामन कोरवा की सराहना की तो वहाँ के स्थानीय लोग गर्व से भर उठे। पीएम ने हीरामन कोरवा द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए लिखी गई कोरवा शब्दकोश की सराहना की। पुस्तक में कोरवा भाषा की जानकारी दी गई है, साथ ही इसमें दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले शब्द को अर्थ के साथ लिखा गया है। पीएम ने कहा हीरामन जी ने जो कर दिखाया वो कोरवा जनजाति के लिए ही नहीं देश के लिए मिसाल है। नाम लिए जो मन की बातें में यह मेरा बहुत गौरवपूर्ण एहसास हो रहा है कि जो कि गढ़वा जिला का संपूर्ण लोगों के साथ में मैं एहसास कर रहा हूं कि मेरा बात भी केंद्र में रखा गया। मोदी जी के साथ हम भी हैं और मैं यह सुनकर बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को लाखों करोड़ों धन्यवाद जो कि मन की बातें में मेरा भी बात शामिल हुआ। 12 साल के अथक प्रयास के बाद हीरामन ने कोरवा जनजाति के लिए शब्दकोश बना तो दिया, लेकिन इन बीते सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन पत्नी ने अपने पति से सवाल न किया हो कि आखिरकार आप हर वक्त क्या लिखते रहते हैं। पुस्तक लिखने के दौरान दोनों के बीच नोक झोंक भी हुई, लेकिन जब पीएम के मन की बात में हीरामन का नाम आया तो पत्नी का चेहरा गर्व से खिल उठा। लिख रहे थे तो हम बोल रहे थे कि क्या आप कर रहे हैं, क्या लिखते हैं, तो बोलते थे कि हम भाषा किताब लिख रहे हैं, भाषा लिख रहे हैं सब कोरवा लोग की ताकि पता चले कि हम लोग का भाषा है, ऐसे करके लिखते थे। फिर लिखते लिखते बुक बना लिए। हम कुछ समय समझ में नहीं आता था कि ये क्या लिखते हैं, और लिखते थे, डेली ही लिखते थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके नाम लेकर मोदी जी ने कुछ बातें बता रहे हैं इनके बारे में। इसका माननीय सांसद को निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से धन्यवाद देंगे, उनकी तारीफ करना चाहेंगे कि वही उन्हीं का प्रयास हुआ कि इनको हम लोग गढ़वा में बुला के सम्मानित किए और पुस्तक का विमोचन उनके द्वारा हम साथ में हम लोगों के द्वारा किया गया। और उस दिन यह तय हुआ है, हम फिर भी अभी बात कहेंगे कि इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हीरामन जी को किसी भी तरह की जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी वह हम लोग देने को तैयार हैं। इधर पीएम ने जैसे ही हीरामन का नाम मन की बात में लिया वैसे ही उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। नेता से लेकर अधिकारी तक हीरामन के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हर कोई ये कहता दिख रहा है कि हीरामन ने शब्दकोश लिखकर न सिर्फ गढ़वा का नाम बढ़ाया बल्कि पूरे देश में गढ़वा का नाम ऊंचा किया है। कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष की रिपोर्ट।